सर वो मिड्स का पेपर पैटर्न बता देंगे आप? जी बेटा बताता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। हम थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद मिड टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी एक लेक्चर रहता है, इसके बाद मिड टर्म है नेक्स्ट वीक में, तो मिड टर्म भी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सर वो काइंडली थोड़ा सा ना वो भी बता दें आप, मतलब वो जो असाइनमेंट के अंदर ना, मतलब मुझे सर समझ नहीं आ रही कि मतलब कि स्ट्रिंग को ही रीड करना है ना, तो वो नेक्स्ट करेक्टर किस तरह से रीड करेगा। एक तो हमने प्रीवियस करेक्टर रीड करना है, वो तो एस आई लोकेशन पे है, तो उसकी नेक्स्ट लोकेशन से मेरे से मतलब समझ नहीं आ रहा कि एस आई में +1 करूँ फिर रीड करूँ, इस तरह तो सर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। और जो हमने नहीं, प्रिंट आप किया, ऐसे रीड कर सकते हो, SI+1 ये करके देखना। अच्छा फिर रीड किया जाएगा सर। जो हमने प्रिंट करवाना है वो सिर्फ मतलब कि हम रीड करते जाएं और प्रिंट करवाते जाएं कि उसे मतलब रीड नहीं, करने के बाद स्टोर भी करवाना है। स्टोर कर लेना, स्टोर करके और अच्छा फिर सॉर्ट करना है, फिर उसको स्टोर भी करना है और उसके बाद फिर प्रिंट करवाना है उसको। जी बिल्कुल। ठीक है सर, मैंने SI+1 किया था तब एरर आ रहा था, मैं दोबारा करके देखूंगा फिर नहीं हुआ तो। देखिएगा SI+1 करने, अगर नहीं होता तो आप ऐसा कर सकते हैं किसी रजिस्टर के अंदर वैल्यू रख लें। ये बेस पॉइंटर होता है रजिस्टर, जैसे स्टैक पॉइंटर होता है, बेस पॉइंटर भी था रजिस्टर, उसको यूज करके देखें। सर मैंने ना दो एक ही रजिस्टर के हाफ हाफ के अंदर ना दोनों वैल्यूज को रख के देखा था, पर फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं मेरी इस पे कंसर्न नहीं है कि आप कितने रजिस्टर यूज करते हैं या वेरिएबल यूज करते हैं, बस आपने टास्क को परफॉर्म करना है, इसी के लिए लॉजिक लिखनी है। ठीक है, ओके सर। सर असाइनमेंट की डेडलाइन इंक्रीज हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फिर आप लोगों ने मिड टर्म आ जाना, इसलिए असाइनमेंट टाइम पे करें तो बेहतर है। सर इस वीक लैब आएगी? बिल्कुल आएगी। सर इस टाइम बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ऑलरेडी काफी ज्यादा मिला हुआ है बाकी सब्जेक्ट्स का भी। अच्छी बात है, आप मेहनत करें, रमजान में रोजे रखेंगे, साथ काम करेंगे, मजा आएगा आप लोग। सर सही फिर तो तो कही ईद तक था, पागल हो जाना है हमने। नहीं मुझे यकीन है नहीं होंगे, लेकिन मिड पढ़े हैं ना की तो अभी तक जो पागल नहीं, बचपन से सर पढ़ते एम हैं सी अभी सी तक का नहीं हो रहा, पागल एम नहीं सी हो सी होगी? गए। क्या बोले? नहीं, इतना मजाक भी मना आपको लेना ही पड़ेगा, अच्छी डिग्री करनी है ना तो उसके लिए मजा तो लेना पड़ेगा आपको, इतना काम करना पड़ेगा, फिर ही आपको अच्छा लगेगा, डिग्री अच्छी समझ आएगी चीजों की। मेहनत करें बच्चे, अभी आप लोग घर पे हैं, घर में बैठ के मेहनत की जा सकती है, मेहनत से काम करें फिर होता है, ये ज्यादा लोड नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती तो लोड और ज्यादा होता, अभी तो बहुत कम हाँ है लोड। टीचर यही कह रहा है सर, वो भी यही, आप भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, अब इतने सारे सब्जेक्ट्स और हैं मैं ठीक कह रहा हूँ आपको, कोई भी टीचर उतना ज्यादा लोड नहीं दे रहा आपको, मे बी सर। अगर रेगुलर आपकी क्लासेस से डबल काम मिल रहा है ऑनलाइन में, ऑन नहीं, कैंपस से। ऑनलाइन में बहुत डबल हो गया हर टीचर, मतलब हर टीचर जैसे मतलब पहले बर्डन जो था ना वो टीचर पे था, अब हर बर्डन हम स्टूडेंट्स पे आ गया, हमें इतना ज्यादा काम असाइन कर दिया जाता है। क्योंकि पहले तो यही था ना कि यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, अब हर टीचर को पता है कि यूनिवर्सिटी खुलनी थी, तो उन्होंने असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट क्विजेज हम पर ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के दे दिए जैसे जवाब का काम है, वो ऐसे जी हो गया। सर, और चले मुझे बाकी कोर्सेज का नहीं पता, मेरे कोर्स से कितने क्विज हुए हैं अभी तक? सर नहीं आपके तो नहीं बात कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरली पॉइंट ऑफ व्यू। तो जनरल ये है, इसका मतलब ये एक कोर्सेज में सिलेबस अभी कवर, मैं आपको वैसे जनरली बताऊं, जैसे अभी 15 लेक्चर हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी रेगुलर सेमेस्टर, जैसे हम ये सब्जेक्ट में काफी दफा 5-6 दफा पढ़ा चुका हूँ पिछले 6 सालों में, ये तो इस सब्जेक्ट पे हम जितना रेगुलर 15 लेक्चर में जितना सिलेबस कवर करते हैं उससे थोड़ा पीछे हैं अभी। ठीक है, और लैबें भी हमारे पास, लैब हमने जरूर की है, वरना मैं इस लेक्चर इस कोर्स के अंदर मिनिमम जो पूरे सेमेस्टर में क्विज लेता हूँ 10 क्विज लेता हूँ, और अभी मिनिमम क्विज बता रहा हूँ 9 या 10, और अभी मैंने सिर्फ 2 क्विज लिए हैं क्योंकि ऑनलाइन में उतना से नहीं लिया जा रहा था, तो असाइनमेंट भी सिर्फ अभी पहली असाइनमेंट मिली है। थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, मुझे पता है ऑनलाइन में बहुत सारे मसाइल हैं, हम लोगों के लिए भी हैं, आप लोगों के लिए भी हैं, लेकिन मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
बहुत इस तरह से पढ़ाऊंगी जैसे फिजिकल लेक्चर में पढ़ाया जाता है। मैं इसलिए डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े साथ साथ। सर, मैं बस ये कह रही थी कि पेपर से पहले वाला जो वीक होता है ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए ताकि पेपर की तैयारी कर सके। उसी में सारा बर्डन आ जाता नहीं, है, सारे टीचर्स एक्चुअल उसी में। फाइनल से पहले वाला वीक होगा ना, वो रिलैक्स होगा, उसी को डेड वीक कहते हैं सेमेस्टर का। वैसे हम लोग मिड से पहले कोई ऐसा डेड वीक नहीं होता। अभी तो मैंने क्विज भी अनाउंस करना है, आप तो असाइनमेंट से कर गए हैं। मैंने तो थर्सडे को क्विज लेना था। सर ऑलरेडी मैं क्विज कैंसिल करा के आ रही हूँ पिछले सर से। थर्सडे को उन्होंने भी लेना था। चलो वो वाला कैंसिल हो गया ना, अभी ये वाला करते हैं। यस सर। ठीक है, अभी पढ़ लें थोड़ा सा, फिर डिस्कस करते हैं क्विज और पेपर को। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक रजिस्टर है बीएल, और बीएल में वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू पड़ी है जो कि मैंने बाइनरी में लिखी है। एक्चुअल तो सिस्टम के अंदर बीएल में ये वैल्यू पड़ी होगी बाइनरी में। हेक्साडेसिमल में अगर मैं इस वैल्यू को रीड करूं तो ये 41 हेक्सा वैल्यू होती है। डेसिमल में रीड करूं 65 होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू है उसको जिस नोटेशन में रीड करेंगे वो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्डवेयर के अंदर बाइनरी में पड़ा होता है। और मैं अगर आपसे कहूं कि आपने ये नंबर बाइनरी में डिस्प्ले करवाना है, तो क्या आप बाइनरी में डिस्प्ले करवा सकते हैं कंसोल के ऊपर? अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताना है, यस बाइनरी में डिस्प्ले हो जाएगा। हम इनको 1 1 बाइट शिफ्ट करेंगे और देखेंगे 1 बिट का मैग्नीट्यूड, और उसकी बेस पे 1 या 0 प्रिंट करवाते जाएंगे, तो वो कंटिन्यूसली हमारे पास ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एग्जाम में डिस्प्ले करवाना हो करवाया जा सकता है। यस सर। कैसे करेंगे हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले? हमें पता है 4 4 बिट को पिक करेंगे शिफ्ट लेफ्ट करके, और उनको मैग्नीट्यूड देख लेंगे, वो 0 से 9 के दिन में आना है तो 30 ऐड करते हुए, ताकि 0 से 9 का कोड बन जाए। अगर वो ए 9 से बड़ा है तो 37 ऐड करते हैं ताकि वो A7 का कोड बन जाए, और फिर वो डिस्प्ले पा दे। विच मीन्स कि हम ये दोनों काम कर सकते हैं इजीली। अगर मैं उसको जो भी वो वैल्यू है उसको डेसिमल में डिस्प्ले करवाना चाहूँ, ये वाला काम करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि बीएल में पड़ी ये वैल्यू है और उसका डेसिमल मैग्नीट्यूड डिस्प्ले हो, तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में ज्यादा सोचें, हम उसको कैसे इंटरटेन करेंगे। विच मीन्स कि जब रजिस्टर में ये वैल्यू पड़ी हो तो कंसोल पे मैं कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं जिससे 65 डिस्प्ले हो जाए, तो कैसे किया जा सकता है, कोई तरीका समझ आता है देखने? चले इसको पढ़ते हैं हम के डेसिमल जो नंबर होगा 65, क्या आप इसमें से बता सकते हैं कौन कौन सी बिट्स हैं जो 6 को शो कर रही हैं, कौन सी बिट्स हैं जो 5 को शो कर रही हैं? 41 हेक्सा के लिए तो हमें पता था ये 4 बिट्स 4 के लिए हैं, ये 4 बिट्स 1 के लिए हैं, 41 हेक्सा बन गया। तो डेसिमल में इस तरह कोई है सिनेरियो? जी, कोई सिनेरियो बनता है इस तरह का जिसमें हमें पता हो कि नंबर ऑफ बिट्स फिक्स होती हैं कि वो डेसिमल के कौन से डिजिट को शो करती हैं, ऐसा होता है बिट्स के फॉर्म में? नो सर, कंप्लीटली डेसिमल में रिप्रेजेंट होती है वैल्यू। वो किसी खास बिट के बेस पे डिसाइड नहीं किया जाता, वो पूरी की पूरी वैल्यू होती है। इसका मतलब कि ये 65 बिट्स में अगर हम इनमें से किसी कुछ खास बिट्स को सेपरेट आउट कर भी लें तब भी हम 6 या 5 को सेपरेट आउट करके डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अब इसके लिए क्या तरीका लिखा जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसके थ्रू ये 65 डिस्प्ले करवाना मुमकिन नहीं है। आज हम एक नई इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्प्ले करवाना सीखेंगे। नई इंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिव की इंस्ट्रक्शन, डिवीजन की इंस्ट्रक्शन। डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शन है वो इस आर्किटेक्चर के अंदर सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। हम यहाँ पे डिव और साथ कोई ऑपरेंड बता देते हैं, सोर्स रजिस्टर बता देते हैं या
तो मैं बीएल बता दिया, वो ये 8 बिट भी लिखी जा सकती है और 16 बिट भी रजिस्टर बताया जा सकता है। डिवीजन की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डिवीजन की इंस्ट्रक्शन हमेशा जब भी हम उसको कोई वैल्यू बताएंगे, ये एएल में पड़ी हुई वैल्यू को, अगर मैं यहाँ पे 8 बिट वैल्यू बता रहा हूँ, तो मैंने लिखा इफ बीएल, ये इंस्ट्रक्शन में करेगी एएल की वैल्यू को डिवाइड करेगी बीएल से, जो यहाँ पे लिखा जाएगा डिव के साथ। डिव सीएल लिखा तो एएल की वैल्यू को सीएल से डिवाइड करेगी, डिव डीएल लिखा तो एएल की वैल्यू को डीएल बीएल से डिवाइड करेगी। इस इंस्ट्रक्शन ने हमेशा एएल की वैल्यू को डिवाइड करना है, जो भी साथ हमें एक ऑपरेंड लिखेंगे, सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, अगर तो 8 बिट यूज करें। और अगर हम इसके साथ यहां पे 16 बिट वैल्यू देते हैं, डिव बीएक्स लिख देते हैं, तो फिर ये एएक्स की वैल्यू को डिवाइड करेगी बीएक्स के साथ। 16 बिट लिखेंगे तो हमेशा एएक्स की वैल्यू सिलेक्ट होगी, अगर 8 बिट वैल्यू लिखेंगे जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो वो फिर एएल की वैल्यू सिलेक्ट होगी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एएक्स में, अगर मेरे पास एएक्स में पड़ा है 24 और मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं 9 से, तो मैं बीएल में बीएक्स में मूव करूंगा 9 और डिव bx लिख दूंगा, ये इंस्ट्रक्शन में करेगी ax की वैल्यू को डिवाइड कर देगी 9 से। डिवाइड करने के बाद आंसर कहां जाएगा, जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो इसमें दो आंसर आते हैं, एक पार्ट आता है क्वेश्चन और एक पार्ट आता है रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा, अगर 8 बिट डिवीजन यूज की जा रही है, तो क्वेश्चन पार्ट हमेशा al में चला जाएगा और रिमाइंडर पार्ट ah में चला जाएगा, क्वेश्चन एएल में और रिमाइंडर एएच में चला जाएगा, अगर 8 बिट डिवीजन यूज की जा रही है। इसमें ये किस केस में होगा, 8 बिट डिवीजन है, और अगर हम लोग 16 बिट डिवीजन यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन पार्ट एएक्स में जाएगा और रिमाइंडर पार्ट डीएक्स में चला जाएगा, अगर हम लोग 16 बिट डिवीजन यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन और रिमाइंडर में फर्क पता है, ये 24 को 9 से डिवाइड किया जाए, ये इस केस में रिमाइंडर है और ये इस केस में क्वेश्चन है। सर ये यहां से जरा इमेज बैक रिवाइज कर दे, जो डिव बीएक्स किया आपने, जब डिव बीएक्स किया तो 16 बिट डिवीजन है, जब इसके साथ डिव के साथ 16 बिट वाला आर्गुमेंट यूज कर दिया जाए, तो ये एएक्स की वैल्यू को डिवाइड करती है जो भी यहां पे आर्गुमेंट यूज किया जा रहा है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्वेश्चन पार्ट एएक्स में वापस चला जाता है और रिमाइंडर पार्ट डीएक्स में चला जाता है। और अगर 8 बिट डिवीजन यूज की जाए, यहां पे 8 बिट वाला आर्गुमेंट यूज कर लें, यानी डिव डीएल लिख दें, तो फिर एएल की वैल्यू को डिवाइड किया जाता है इस वैल्यू के साथ, यहां पे वैल्यू, और जो इसका रिजल्ट आता है वो एएल में जाता है क्वेश्चन पार्ट और एएच में जाता है रिमाइंडर पार्ट। समझ आ रही है बात की सबको? और अब जरा सोचिए, ये डिप इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल है, मैं अगर कहूं मेरे पास बीएक्स में जो नंबर पड़ा है, बीएक्स में नंबर पड़ा है वो है 65 डेसिमल में, और कंसोल पे मैं 65 डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, कंसोल पे मैं चाहता हूँ 65 डिस्प्ले हो, कैसे किया जा सकता है? अभी कोई तरीका बनता है? हम चाह रहे हैं कि 6 और 5 अलग अलग हो जाए, फिर हम 6 का किसी तरह से कोड बनाए, फिर 5 का कोड बनाए, डिस्प्ले करते हैं। टेन से डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल बी एक्स नहीं है, ए एक्स में पड़ा 65, मैं बी एक्स की जगह ए एक्स कह देता हूँ, ए एक्स ले देता हूँ, ए एक्स में 65 पड़ा, इसको डिस्प्ले करता हूँ। इन जनरल मैं क्या करूंगा, 65 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल बी एक्स में 10 पड़ा है, ए एक्स में 65 पड़ा है और इंस्ट्रक्शन चला दी डिव बी एक्स, तो क्वेश्चन आ गया 6 और रिमाइंडर आ गया 5, और ये कहां पे चलेगा, क्वेश्चन चला जाएगा ए एक्स में वापस
और रिमाइंडर चला जाएगा डीएक्स। तो क्या ये फाइव डिस्प्ले हो जाएगा? फाइव, फाइव का मतलब है डीएक्स में ये फाइव पड़ा। हमें तो फाइव डिस्प्ले करवाने के लिए, फाइव डिस्प्ले करवाने के लिए इसके अंदर 35 हेक्सा होना चाहिए, ये 0.5 हेक्सा, तो ऐड करेंगे 30 हेक्सा इस नंबर में। तो 48 भी प्लस कर सकते हैं, या 30 हेक्सा या इसका इक्विवेलेंट है 48 डेसिमल प्लस कर लें, तो एक ही बात है। और उसके बाद AX में जो वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करेंगे। अभी तो ये 2 हेक्सा डिजिट है, लेकिन फॉर एग्जांपल AX में अगर मेरे पास होता 165, फिर मैं क्या करता? अब कैसे डिस्प्ले कराया जा सकता है? अब 3 हेक्सा डिजिट है या 4 हेक्सा डिजिट है तो तब कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं डेसिमल में? तो हमें कोई जेनेरिक सॉल्यूशन सोचना चाहिए, कि हमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल नंबर में कितने हैं। जब हम डिवाइड करेंगे AX को 10 से, तो 10 से डिवाइड करने के बाद इसका क्वेश्चन पार्ट आएगा 16 और रिमाइंडर आएगा 5। फिर दोबारा 16 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्वेश्चन पार्ट आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 6 और क्वेश्चन आएगा 1। फिर डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो हम कुछ ऐसा सोल्यूशन लिखेंगे कि हम जिस नंबर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसको 10 से डिवाइड करते जाएं और उससे हर डिजिट को अलग कर लें। लेकिन अगर मैं पहले 5 शो कर दूं, फिर 6 शो करूं, फिर 1 शो कर दूं, पहले 5 अलग हुआ शो कर दिया, फिर 6 अलग हुआ शो कर दिया, फिर 1 अलग हुआ शो कर दिया, जब तक 0 नहीं आया, तो नंबर 561 शो हो जाएगा, जबकि एक्चुअल नंबर तो 165 था। अगर मैं 10 से डिवाइड करता जाऊं और जो रिमाइंडर बचा उसको शो करवाता जाऊं, रिमाइंडर डीएक्स में जा रहा है उसको मैं कंसोल में प्रिंट करवा दूं, 30 ऐड या 48 डेसिमल ऐड करके, फिर 6 बचेगा, फिर 1 बचेगा, जब तक AX 0 नहीं हो जाता, वो तो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या कर सकते हैं? सर स्टैक में स्टोर करवा सकते हैं। गुड, हम क्या करें, रिमाइंडर जो बचे उसको स्टैक में पुश करवा दें, फिर अगला रिमाइंडर जो बचे स्टैक में पुश कर दें, उस वक्त तक डिवाइड करते जाए जब तक 0 नहीं आ जाता AX में। पहले दफा डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 आएगा AX में 16 बच जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 6 आएगा AX में 1 बच जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे AX में 0 बच जाएगा या 1 आएगा, तो स्टैक में पुश करवा देते हैं। अब देखें स्टैक में टोटल साथ काउंट कर दें, स्टैक में कितने नंबर पुश हुए, 3 नंबर पुश हुए, स्टैक से पहला पॉप करवाएं उसमें 30 या 48 डेसिमल ऐड करें और डिस्प्ले करवा दें, 1 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर पॉप करवाएं 30 या 48 डेसिमल ऐड करें और डिस्प्ले करवा दें, फिर पॉप करवाएं, तो 3 दफा पॉप करा के डिस्प्ले कराएंगे तो 165 डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर 2 डिजिट होंगे तो 2 दफा स्टैक में पुश होगा, सिंगल डिजिट डेसिमल होगा तो 1 दफा पुश होगा। समझ आ रही है बात सबको? जी समझ आती है चीज? मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लिया ताकि ना आसानी से डिस्प्ले हो हमारे पास। नोटपैड प्लस प्लस में कोड करेंगे तो नजर ठीक आता है, इसमें ना कलर्स कर देता कमांड को, इंडेंटेशन में आता मसला नहीं आता। प्रोसीजर लिखा हुआ था उसको खत्म कर दिया। फिर ज़ूम करते हैं थोड़ा, नोटपैड प्लस प्लस में फॉन्ट बड़ा हो जाता है, सर पिंच करें हो जाएगा, कहां से होगा? सर कंट्रोल और स्क्रॉल करें। ये अब ठीक है? यस सर, थोड़ा सा और कर दें।
ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने फॉर एग्जांपल ax को में एक नंबर स्टोर करवा लिया, मूव ax को मैं खुद से कोई नंबर स्टोर कराया था 163 डेसिमल में लिखा है, b लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब वो डेसिमल कंसीडर होगा, मूव bx को मैं 10 करवा लिया क्योंकि 10 से डिवाइड करना चाहते हैं डेसिमल में है, मैं आके एक रजिस्टर ले लेता हूँ cx कोमा 0, 0 क्यों इनिशियलाइज करूँ ताकि ये काउंट कर सके कितने डिजिट पूछ होंगे, और वो रजिस्टर जिसमें क्वेश्चन पार्ट में जाना होता है रिमाइंडर पार्ट में जाना है उसको हमेशा 0 करना है, bm से पहले मूव bx कोमा 0 इसमें रिमाइंडर पार्ट में स्टोर करना है उसको 0 बनाना है आपने हमेशा, मैं div bx bx से डिवाइड किया कंपेयर किया ax कोमा 0 जम इक्वल एक्सिट, अगर 0 पे इक्वल है तो एक्सिट कर दो अदरवाइज इसको यही प्रोसेस रिपीट करना है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं जंप नॉट इक्वल पे, इसको कहता हूं जंप नॉट इक्वल पे अगेन अगेन पे टैग ये वाला Yes, जीरो डिव किया कंपेयर किया, लेकिन अब मैं यहाँ पे डिलीट करने के बाद पुश कर देता हूँ dx को जो भी रिमाइंडर बचा हुआ dx में पुश हो जाए और इंक्रीमेंट कर देता हूँ cx को अगले काउंट होते थे, इस केस में मैं कोई इशू आ सकता है अभी सिर्फ इतनी डिलीट किया है जो भी डिलीट करता जा रहा है और जैसे ही ax जीरो के इक्वल ना हो जीरो के इक्वल ना हो तो ये प्रोसेस रिपीट कर रहा है, जीरो पे इक्वल आ जाएगा तो ये जब नॉट इक्वल फॉल्स होगी तो वो गेम पे नहीं जाएगा, इसमें कोई इश्यू आ सकता है इसमें कोई इश्यू आ सकता है बताएं जरा अभी इतने से कोड को देखिए और बताएं इसमें कोई मसला है नजर आता है पहली दफे देखें अगर ax 0 होता जी बोले ठीक है सर बताएं मतलब नहीं पूछ रहे आप क्वेश्चन जो पूछ रहे बेटा तो किया हुआ आपने मैं जो देख रहा था ना अगर ax 0 होगा तो ये क्या काम करेगा ax 0 होने के बावजूद एक दफा तो ये लूप चलेगा ही चलेगा ना फिर यहाँ पे आकर उसको एग्जिट करना पड़ेगा हम यहाँ पे नीचे लगा रहे बेटर है मूव कंपेयर एक्स कोमा जीरो जंप इक्वल और यहाँ पे आके हम कहते हैं सिंपली एएमपी अगेन ये एग्जिट का टाइप डिफाइन कर लें अब क्या हो रहा है वो देखता है एक्स जीरो तो नहीं है अगर जीरो नहीं है तो डीएक्स को जीरो बनाता है डिलीट करता है और जो रिमाइंडर बचता है उसको स्टैक में पुश कर देता है और इंक्रीमेंट करता है सीएक्स को ताकि काउंट हो जाए कितने हुए हैं और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करता है जब कभी डिवाइड करने से एक्स जीरो हो जाएगा तो जब गेन करने पे एक्स जीरो के इक्वल मिलेगा तो इस एग्जिट वाले टैग पे आ जाएगा एग्जिट वाले टैग पे आके हम क्या करेंगे पॉप करेंगे डीएक्स की वैल्यू को एड करेंगे bx में 30 हेक्सा या इसकी जगह मैं 48 डेसिमल भी लिख सकता हूं फिर मूव ax कोमा 2 की सर्विस यूज करते हुए इंटरप्ट 21x को कॉल करेंगे वो वाला डिजिट डिस्प्ले हो जाएगा डिक्रीमेंट cx को करेंगे और jnz ये काम अगेन करना है यहां एग्जिट वाले टैग पे चलेंगे यहां पे भेजना है दोबारा से पॉप करना है उसको तो ये एग्जिट इसका नाम मैंने एग्जिट रखा है पहला कैरेक्टर वो पॉप करेगा डिस्प्ले करा लेगा फिर अगला एंड सो ऑन ये कोड हम लोगों ने डेसिमल डिस्प्ले करवाने का लिख लिया देखते हैं क्या ये डिस्प्ले करवाता है दो स्कोप्स में आ गए एंड सी
ML task 1 for ASM. को मैंने कंपाइल कर लिया और उनको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखिए 163 डिस्प्ले करवा रहा है। AS में 163 पड़ा था, इसमें 163 डिस्प्ले करवा दिया। आ रहा है नजर सबको? जी यस सर। अगर ये AS में मेरे पास 163 के बजाय 4-5 पड़ा होता सिर्फ 2 डिजिट है, तभी एक और 2 डिजिट नंबर भी डिस्प्ले करवा देता। अब लेकिन सिर्फ 4-5 डिस्प्ले हो गए। सर डीएक्स में 0 क्यों रखा आपने? ये डीएक्स में जब भी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो वो रजिस्टर जिसमें रिमाइंडर पार्ट में जाना है उसको हमेशा 0 करना है डिवीजन करने से पहले। अच्छा सर, सही है सर, समझ आता है सबको? ताकि जो नेक्स्ट रिमाइंडर आएगा फिर उससे उसको इफेक्ट नहीं करेगा वो। बिल्कुल ऐसा है जी। कोई और क्वेश्चन? ये मुश्किल तो नहीं है डेसिमल डिस्प्ले करवाना? नो सर। चले मैं अगर फॉर एग्जांपल इसी कोड को मैं चेंज करूं और चेंज देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इस पोजीशन पे 2 लिख देता हूं। 2 मैंने कहा लिखा बीएल की जगह पे 2 लिख दिया, बीएल की जगह पे 2 लिख दिया। अब मुझे बताएं कंसोल पे क्या डिस्प्ले होगा? सर बाइनरी। अब देखें 45 की एग्जैक्ट जो बाइनरी बनती है वो डिस्प्ले हो गई। समझ आ रही बात? यस सर। अगर क्या मैं 16 लिखूंगा तो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले हो जाएगा? अगर 16 लिख दूंगा तो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले हो जाएगा? या कोई इशू आएगा? सिर्फ 16 से डिवाइड करने पे हेक्सा डिस्प्ले करवा देगा या कोई मसला आएगा इसमें? हाँ जी बोले। सर जब वो 9 से बड़ा होगा तो वो जो 10 है उसको तो ए कंसीडर करेगा ना? बिल्कुल, तो ए डिस्प्ले नहीं करवा पाएगा। तो उसके लिए क्या चेंज किया जाए कि ये डेसिमल के लिए भी ठीक हो जाए, बाइनरी के लिए भी और हेक्सा के लिए भी? तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आके जहाँ डिस्प्ले करने लगे एड डी 48 ये ना करें बल्कि यहाँ कंपेयर करें, कंपेयर डीएक्स कॉमा 9 कम ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या लेटर में भेज दें, कम ग्रेटर में उसको एक टैग लिख लें लेटर, और लेटर वाला टैग भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। लेटर वाले टैग पे ऐड जो करना है हमें डीएक्स में 48 ऐड नहीं करना बल्कि 37 हेक्सा ऐड करना है, और अगर लेटर नहीं होगा तो 48 ही ऐड करना है, और JMP यहाँ से प्रिंट पर भेज दें, ये प्रिंट पर रहेगा। अब क्या हो रहा है, जरा गौर से इस कोड को समझिएगा। वो क्या कर रहा है, पॉप करवाने के बाद देखता है वो लेटर 9 से बड़ा, जो पॉप हुआ है नंबर वो 9 से ग्रेटर है, अगर 9 से ग्रेटर है 2 है तो उसमें ये 37 हेक्सा ऐड करो, अगर 9 से ग्रेटर नहीं है तो उसमें 48 ही लिख लें या इसको 30 हेक्सा डेसिमल कह लें, 30 हेक्सा ऐड करें, अगर लेटर होगा तो 37 करेगा तो 30 ऐड करेगा और फिर प्रिंट करवा देगा। अब जरा देखिएगा मैं इसी नंबर को यहाँ पे बीएच में सिर्फ 16 रखूंगा फिर डिस्प्ले हो जाएगा, ये 2D डिस्प्ले करवा रहा है, तो 45 एक्चुअल में 2D, ये जो मैंने 45 डेसिमल लिखा है ये एक्चुअल में 2D
डी हेक्सा के इक्वल होता है, और जब हमने इसमें टू रखा था तो इसने बाइनरी डिस्प्ले करवा दी थी जो कि 101101 है, 101101 है, इस बाइनरी के इक्वल है। अब इन तीनों में से कोई भी नंबर रख लें, 10 से डिवाइड कर 10 बीएक्स में लिख देंगे तो वो डेसिमल डिस्प्ले कराएगा, 2 लिख देंगे तो बाइनरी डिस्प्ले कराएगा, 16 लिख देंगे तो हेक्सा करवाएगा। तो क्या हम इसका ऑक्टल नंबर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं? यस सर। तो ऑक्टल नंबर भी डिस्प्ले कराया जा सकता है सर? 8 लिख दें बस। बस 8 से डिवाइड कर दें तो ऑक्टल डिस्प्ले करा देगा। तो अब ये देखिए, ये जेनेरिक सा प्रोसेस बन गया, ये वही बन गया जो हम लोगों ने एक्चुअल में एक्चुअल लाइफ में करते हैं। ऑक्टल डिस्प्ले कराने के लिए 8 से डिवीजन करते हैं, रिमाइंडर ले लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में, बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, रिमाइंडर ले लेते हैं, ये वही प्रोसेस है, उसी को हमने कोड के फॉर्म में लिख लिया। समझ आइए सबको इस बात की? Yes, sir. कोई क्वेश्चन हो इसमें? अगर आप इस तरह कर सकते हैं कि एक प्रोसीजर लिख लें यहाँ पे डिस्प्ले नंबर का, डिस्प्ले का एक प्रोसीजर लिख के रख लें, और डिस्प्ले एनपी ये एक प्रोसीजर यूनिक सा लिख के रख लें आप। इस प्रोसीजर में यही वाला मैं सारा कोड डाल दूं, बस इसका कोड का फर्क क्या हो यहां तक, ये सारा मैंने कोड डाल दिया इस प्रोसीजर के अंदर और एंड पे लिख दिया रिटर्न डिस्प्ले नंबर, ये प्रोसीजर का नाम है डिस्प्ले नंबर एंटी। इस प्रोसीजर को कॉल करने से पहले जो नंबर आप एएक्स में मूव करेंगे और जो नंबर बीएक्स में मूव करेंगे, एएक्स वाले नंबर को बीएस बीएक्स में पड़े हुए नंबर वाली बेस में डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जांपल यहां मैं 10 रख के और एएक्स में 45 रख के कॉल डिस्प्ले नंबर करता, तो 45 डिस्प्ले हो गया आपके सामने। अभी मैं सिर्फ प्रोसीजर वैसे ही रहने देता हूं, यहां पे 10 की बजाय 2 लिख देता हूं और इसको कॉल कर देता हूं, ये बाइनरी डिस्प्ले हो गया। एएक्स में 16 लिख के और एएक्स में नंबर रखता हूं, तो एक्चुअल में इसको जब मैंने कॉल कर दिया तो ये डेसिमल डिस्प्ले हो गया। ये कुछ इस तरह का प्रोसेस बन गया कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्रोसीजर बना लिया डिस्प्ले नंबर का, डिस्प्ले का प्रोसीजर बना लिया, उसको दो आर्गुमेंट जाते हैं, एक आर्गुमेंट एएक्स में रखा जाता है, एक बीएक्स में, और इस प्रोसीजर को कॉल कर दिया डिस्प्ले नंबर के में। जब इसको कॉल करूंगा तो एएक्स में पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा किस बेस में, बीएक्स में पड़ी हुई नंबर वाली बेस में। अगर बीच में 2 पड़ा था 2 बेस में डिस्प्ले करा देगा, 16 पड़ा था 16 में, 10 पड़ा था 10 बेस में, 7 पड़ा या 8 पड़ा, 8 पड़ा था ऑक्टल के अंदर। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ आई हो? सर समराइज कर दें जरा एक दफा नोटपैड में दोबारा से जाके। जी मैं समराइज कर देता हूं। हमने क्या किया है, ये प्रोसीजर है, सीएक्स में 0 रखा, एएक्स का 0 से कंपेयर किया, डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन करके स्टैक में पुश करते जाएंगे रिमाइंडर वाली वैल्यू को, फिर स्टैक से पॉप करवाएंगे रिमाइंडर वाली वैल्यू को, चेक कर लेंगे वो 9 से बड़ा है तो उसमें 37 हेक्सा ऐड करते हैं, 9 से छोटा है तो 30 हेक्सा ऐड करते हैं और डिस्प्ले करवा देते हैं। कितने दफा करते हैं, सीएक्स टाइम, और सीएक्स में क्या पड़ा था, सीएक्स में जितनी दफा पुश हुआ था उतना काउंट पड़ा था। इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा ये हो रहा है कि एएक्स में जो नंबर पड़ा होगा उसको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा जो भी बीएक्स में नंबर पड़ा है उस वाली बेस के अंदर। तो मैं यहाँ कॉल करने से पहले एएक्स में नंबर रखा करूंगा, बीएक्स में वो बेस रखा करूंगा और कॉल डिस्प्ले का नंबर फंक्शन कॉल कर दूंगा, तो वो एएक्स वाले नंबर को डिस्प्ले करवाएगा इन बीएक्स बेस। जी समझ आया? यस सर।
DMD instruction or decimal binding या हेक्सा जो हम लोगों ने डिस्प्ले पढ़ा है, इसमें कोई इशू हो इसी स्टूडेंट को? सर ये बाइनरी और ये मतलब कि हेक्साडेसिमल इतने इजीली डिस्प्ले हो सकता था, तो आपने हमें इतनी मुश्किल कमांड्स जो पहले रोटेट वगैरह थी वो क्यों पढ़ा दी? क्योंकि ताकि आपको शिफ्ट और रोटेट की सेक्शन समझ आ जाए, इसलिए बढ़ाई और उनके को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ। सर उसका काम भी तो सिर्फ यही था ना कि वो चार बिट्स को मतलब कि रोटेट करता है या शिफ्ट करता है, उससे हमने डिस्प्ले में ही काम करना था, तो हम ये शिफ्ट रोटेट को समझ आना भी जरूरी है, शिफ्ट रोटेट के पर्पस से समझ आना जरूरी है। हम स्ट्रिंग को शिफ्ट कर सकते हैं, इन स्ट्रिंग की इन जनरल शिफ्ट रोटेट का पर्पस समझ आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर हम उसके डिस्प्ले के प्रोसीजर लिखवा देते हैं, हेक्सा डिस्प्ले या बाकी डिस्प्ले। ओके सर। सर ये कोड उसमें अभी मतलब काम नहीं आएगा कि अगर आपकी इनपुट जो है वो हेक्साडेसिमल में और हमने उसको बाइनरी में डिस्प्ले करवाना हो, अब तो ये कुछ भी देखें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो जो भी इनपुट है वो यहाँ पे लिखी गई होगी ना, AX में वो नंबर पड़ा होगा, वो नंबर आप हेक्सा में रखते हैं, बाइनरी में रखते हैं, डेसिमल में रखते हैं, जो प्रोसीजर आप लिखेंगे उसमें वो कॉल हो जाएगा, जो जो कॉल करेंगे प्रोसीजर जिस बेस में उस बेस में डिस्प्ले हो जाएगा। वो तो नंबर की नोटेशन है ना, वो हेक्सा में है, बाइनरी में है, डेसिमल में है, एक्चुअल तो कंप्यूटर में बाइनरी में पड़ा है, और फिर डिस्प्ले करवाने के लिए आप जो जिस मेथड में डिस्प्ले कराए वैसे डिस्प्ले हो। जैसे मैं कहता हूँ ये AX है, इसमें ये नंबर पड़ा है या ये पड़ा है, ये बाइनरी ये डेसिमल या 41 हेक्सा पड़ा है, कुछ भी रखें तो कंप्यूटर के अंदर तो एक्चुअल में सॉरी कंप्यूटर के अंदर तो वो नंबर बाइनरी में सेव है, अब जब डिस्प्ले करवाना है तो किसी भी नोटेशन में डिस्प्ले करवाया जा सकता है। वो मैटर नहीं करता, समझे बात? यस सर। ओके जी, डीएनडी इंस्ट्रक्शन में कोई इशू तो नहीं है, सबको समझ आ गया? क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है, 8 बिट और 16 बिट डीएनडी क्या है? नो सर। अच्छा इसके अलावा एक चीज इसमें एक और, जब हमने डिप की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है ना, इस तरह बिल्कुल सिमिलरली आई डिप की इंस्ट्रक्शन भी होती है। डिप की इंस्ट्रक्शन होती है अनसाइंड नंबर्स के लिए और आईडीप होती है साइंड नंबर के लिए, बस ये फर्क है। और इन जनरल हम डिप भी यूज करते हैं, साइंड डिलीशन हम करते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आईडीप भी इंस्ट्रक्शन है, पर्पस उसका आर्गुमेंट्स वगैरह सेम है। लास्टली बस एक दो चीजें रह गई आज के लेक्चर के लिए, एक और इंस्ट्रक्शन है MUL, MULK इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई करवाती है नंबर्स को, मल्टीप्लाई करवाती है, ये भी सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, 8 बिट और 16 बिट दोनों में यूज की जा सकती है। जब मैं MUL के साथ कोई ऑपरेंड दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं BL ऑपरेंड देता हूं, तो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन हमेशा AL की वैल्यू को, अगर 8 बिट ऑपरेंड दिया AL की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएगी इस वाले नंबर से जो यहां पे लिख दिया गया, BL लिख दिया गया, BL CL लिख दिया गया CL, अगर 8 बिट यूज करें, AL की वैल्यू को BL से मल्टीप्लाई करवाएगी। अच्छा मल्टीप्लाई करवाने के बाद दो रिजल्ट आते हैं, एक ही रिजल्ट आता है सर? एक ही आता है, एक ही आता है, एक ही आता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर 8 बिट का नंबर 8 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम कितनी बिट्स का हो सकता है? 16 बिट। 16 ऐड के अंदर ऐसा नहीं होता, ऐड में जब 8 बिट नंबर 8 बिट से ऐड किया जाए तो 8 बिट ही रिजल्ट आता है, सिंगल बिट कैरी जाती है, लेकिन 8 बिट नंबर 8 बिट नंबर से मल्टीप्लाई कराए तो 16 बिट रिजल्ट हो सकता है। तो जब मल BL करेंगे तो वो AL की वैल्यू को BL से मल्टीप्लाई करेगा और जो इसका रिजल्ट होगा वो AX में चला जाएगा, 16 बिट में चला जाएगा, AX रजिस्टर में उसका रिजल्ट चला जाएगा। सिमिलरली अगर 16 बिट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 16 बिट मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के साथ अगर मैं BL की जगह BX लिख देता हूं तो वो हमेशा
एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएगा इधर लिखे हुए नंबर से, अगर सी एक्स लिखा सी एक्स, बी एक्स लिखा बी एक्स, तो वेरिएबल लिखा उस वेरिएबल से एक्स, और यहाँ पे मौजूद नंबर को मल्टीप्लाई कराएगा। अब इसका जो रिजल्ट है वो 32 बिट का है, जो रिजल्ट आएगा वो 32 बिट होगा, लेकिन कोई रजिस्टर हमारे पास 32 बिट वाला हमने पढ़ा, हमारे पास तो सारे रजिस्टर 16 बिट के हैं। तो इस केस में रिजल्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस केस में रिजल्ट का जो 0 से लेके 15 तक बिट होंगी वो एएक्स में सेव हो जाएगी, और उसी रिजल्ट की 16 से 32 31 तक जो बिट होंगी वो डीएक्स में सेव हो जाएगी, विच मींस के डीएक्स और एएक्स मिला के पूरे रिजल्ट को स्टोर करवा देंगे, 32 बिट का रिजल्ट बन जाएगा इन केस ऑफ 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। सही नंबर प्रिंट कैसे होगा फिर? प्रिंट अब इसको करवाना मुश्किल है, हम इसको इस सिनेरियो में जा रहे हैं, इसको प्रिंट कैसे करवाया जाएगा वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो बड़ा नंबर है उसमें हम बहुत सारी स्ट्रिंग के फॉर्म में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई बड़ा रजिस्टर एएक्स डिफरेंट तरह के एक्स्ट्रा है के एक्युमुलेटर रजिस्टर होते हैं वो नहीं पढ़ने, इसलिए उसके सिनेरियो में हम लोग नहीं जाएंगे, 32 बिट नंबर को डेसिमल में डिस्प्ले कैसे करवाया जाए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे इस कोर्स में। सर मल्टीप्लिकेशन का हमेशा रिजल्ट ax में स्टोर होगा? हाँ, अगर 8 बिट मल्टीप्लिकेशन होगी bl और al मल्टीप्लाई होंगे, या जो भी नंबर यहाँ लिखा है वो और al में। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर लिख रहा है वो कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकते आप, 10 नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखना कोई रजिस्टर या वेरिएबल है, मल्टीप्लाई का रिजल्ट ax में जाएगा 16 बिट का, जब 8 बिट मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिजल्ट 16 बिट का बन जाएगा जो कि ax में चला जाएगा, अगर 16 बिट मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिजल्ट 32 बिट का बन जाएगा, वो रिजल्ट ax और dx में जाएगा। समझे बात? यस सर। गुड जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो मुझसे पूछ ले। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का भी? ओके जी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं सर इससे रिलेटेड नहीं है सर, वो मतलब के सर मैं जैसे कि स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा था तो जब मैं इनपुट ले रहा था ना, इनपुट लेने के बाद आपने कहा था एंटर प्रेस करेंगे तो फिर हमारा वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा लूप, तो एंटर प्रेस करने के बाद सर वो एक स्पेस आ रही थी बीच में प्रिंट के दरमियान, तो वो कहाँ पर स्टोर हो रही है? मैं एएल को भी एक्सक्लूसिव वर्ड से जीरो करके देख रहा था, वो स्पेस बीच वाली खत्म नहीं हो रही थी, जैसे कि अगर लूप सर आप गलती की होगी आपने ना, मुझे अगर कोड रिव्यू करवाओगे तो पता लगेगा, ऐसे मैं बता नहीं सकता, आप मुझे ईमेल कर देना कोड, मैं आपको बता दूंगा क्या मसला है। ठीक है सर। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है इतना ही है, और मिड टर्म तक का सिलेबस भी यही है जो आज मैंने पढ़ा दिया, नेक्स्ट जो फ्राइडे को लैब होगी वो डिवीजन पे होगी, मल्टीप्लाई का मैंने सेक्शन बता दिया, मल्टीप्लाई को यूज करके डेसिमल इनपुट भी ले सकते हैं, अब वो आपने खुद देखना है डेसिमल इनपुट कैसे ली जाएगी, डेसिमल आउटपुट तो मैंने सिखा दी, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते रहा, स्टैक यूज नहीं होगा, यूजर से नंबर लेते थे 10-10 से मल्टीप्लाई कर के ऐड करवाते थे, तो डेसिमल इनपुट। नेक्स्ट फ्राइडे लैब होगी, जो अभी कमिंग फ्राइडे लैब होगी, थर्सडे को जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्विज नहीं ले रहा, आप लोग मुझे अंदाजा है कि आप लोगों ने क्विज नहीं देना, या आप लोग चाहेंगे कि क्विज ना हो तो क्विज नहीं है, लेकिन थर्सडे को मैं जो कोर्स पढ़ाया है इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा आपका ये रिवीजन करवा दूंगा, जो चीजें डिस्कस किया उनसे कोई क्वेश्चन होगा तो उनको एंटरटेन करूंगा। अब जो लेक्चर हुआ करेंगे रमजान में वो हमारे 11:20 पे ही हुआ करेंगे, कोई क्लास तो नहीं होती ना 11:20 पे आपकी? No, sir. तो 11:20 पे लेक्चर होंगे, अगर मुझे कोई चेंज करना हुआ किसी दिन तो मैं एक दिन पहले बता दूंगा, अदरवाइज 11:20 तो ओके है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। सर तो लेक्चर 1.5 घंटे का ही होगा कि 1 घंटे का हो जाएगा? नहीं नहीं 1.5 घंटे का ही होगा, लेकिन मैं असल में 1.5 घंटा पूरा नहीं लेता, मैंने लेक्चर जितना पढ़ाना होता उस पर डिपेंड करता है, अगर लेक्चर कवर हो गया 1 घंटे में तो 1 घंटा, अगर लेक्चर 1 घंटे में कवर नहीं हुआ तो 1.5 घंटा। मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि लास्ट ईयर ऑफिशियली उन्होंने 1 घंटे का कर दिया था लेक्चर। हाँ, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की,
अगर तो अनाउंसमेंट कर देते हैं देन वो 1 घंटे का ही होगा। सर पेपर राइटर भी बता सकते हैं आप, ऐसे भी हो गए हैं गूगल फॉर्म पे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज बेस ही होगा, मे बी गूगल फॉर्म पे हो, मे बी एग्जाम ब्राउजर पे हो, लेकिन होगा एमसीक्यूज बेस ही मोस्ट प्रोबेबली। अगर चेंज करना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। सर ये यूनिवर्सिटी ने सारे टीचर्स को अनाउंस करने या फिर अप टू टीचर है कि वो जिस पे लेना चाहें? अप टू टीचर होगा। सर आप अपना बता दें फिर शोर आप किस पे लेंगे। मैंने अभी तक एमसीक्यू सोचे हैं, और दूसरा प्लान है कि एमसीक्यूज हों और या ऐसे क्वेश्चंस हों जिनका सिंगल लाइन आंसर हो, सिंगल वर्ड आंसर हो, वो भी एमसीक्यूज की बेस में पूछे जा सकते हैं। और एक चीज मैंने सोची है कि मे बी एक या दो कोड भी दे दूं, लेकिन वो मैं अभी ये क्वेश्चन मार्क है, थर्सडे तक मैं फैसला कर लूंगा फिर आपको बता दूंगा। सर कोड ना दीजिएगा सर एमसीक्यूज।